नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूँ आपके साथ प्रीति शर्मा। जहाँ शिक्षा के लिए शासन करोड़ों खर्च कर रही है, तो वहीं हर बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून तो बना दिया गया है, लेकिन सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक के बुड़कापाल में स्कूल भवन तो है, लेकिन यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक साल 15 अगस्त एवं 26 जनवरी के दिन ही पहुँचते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बुड़कापाल में जब से प्राथमिक शाला संचालित है, तब से यहाँ पर एक ही शिक्षक पदस्थ है। वो शिक्षक साल में कभी कभार ही स्कूल आते हैं। हमारे बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि बाकी बच्चों की तरह भी हमारे बच्चे पढ़ लिख कर गुरुजी, पुलिस, डॉक्टर, सचिव बनकर हमारे गांव का नाम रोशन करें, लेकिन ये हालात देखकर हमें नहीं लगता कि हमारा ये सपना कभी पूरा हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर शिक्षक 3 साल से पदस्थ तो हैं, पर ग्रामीणों ने उनको पढ़ते नहीं देखा है। इलाका नक्सल प्रभावित होने के कारण इलाके में अधिकारी निरीक्षण करने भी नहीं पहुँचते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि 24 अप्रैल 2017 को सड़क सुरक्षा में लगे जवानों पर कुछ नक्सलियों ने हमला किया था, जिसमें 25 जवान शहीद हो गए थे। ये वही बुड़कापाल गांव है जहां पर नक्सलवाद अगर खत्म हो सकता है तो वो इलाके में शिक्षा और इलाके में विकास से ही दूर हो सकता है। एक और बात और पड़े महीना झंडा पंडुम थे बस मत। कितने दिन से स्कूल नहीं खुल रहा? ये शाम तो बच्चा नहीं खुल रहा। अभी तक गुरुजी नहीं आया? आता है, लेकिन अब बच्चा बच्चा नहीं आता है, बोल के वो फिर भाग जाता है। कितने साल हो गया होगा यहाँ पे बराबर पढ़ाई नहीं हो रहा? तुम्हारा बच्चे स्कूल नहीं भेजते? मतलब पढ़ने के लिए बच्चे को स्कूल नहीं भेजते? जुड़ूम समय से तो नहीं है। अच्छा, हाँ, जुड़ूम समय से स्कूल नहीं चल रहा है? उतने साल हो गए आने स्कूल नहीं चल रहा है। गांव में कोई पढ़ा लिखा है? पढ़ा लिखा तो है, तो उसको यहाँ स्कूल चलाने बाल गुरु जी यहाँ नहीं आता पढ़ाने के लिए? आएगा, 2-3 दिन रहेगा, चले जाएगा। यानी जब 15 अगस्त 26 जनवरी होता है पंडुम रहता है तभी आता है? मतलब आता है पंडुम, बस पंडुम में ही आता है। मतलब जानते हैं ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एक कागजों वाली सरकार थी, वो नीचे स्तर पर तो कभी उन्होंने सर्वे ना कराया, ना स्कूलों में क्या होता है, आश्रमों में क्या होता है, इस पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाली सरकार कांग्रेस की बनी है, और जो शिक्षक स्कूल नहीं जाएगा उस पर कार्रवाई होगी, और पूरी कोशिश करेंगे कि शिक्षक का काम पढ़ाना है, और स्कूल में मोदी रहेंगे और बच्चों को शिक्षा देंगे। बस्तर से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।